हेलो फ्रेंड्स, सिंपली लक्ष्मी चैनल में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे तरफ से आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी होली स्पेशल कुछ डिशेस। दोस्तों, इंडिया में कोई भी फेस्टिवल होता है तो वो खाने से ही शुरू होता है, तो इसीलिए आज मैं लेके आई हूँ होली की स्पेशल कुछ डिशेस जो आपके साथ मैं शेयर करूंगी, और आप इसको बना के खाइए और अपनी होली को और भी इंटरेस्टिंग बनाइए। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ ठंडाई से। ये जो ठंडाई है, गर्मियों में हम लोगों को बहुत ही एनर्जी देते हैं, तो ठंडाई बनाने के लिए सबसे पहले मैं लूँगी पॉपी सीड, और उसके बाद मैं ऐड करूँगी मगज, फिर उसके बाद कुछ बादाम ऐड करूँगी और किशमिश, और यहाँ पे मैं पिस्ता ऐड कर रही हूँ, थोड़ी सी दालचीनी, और मैं ऐड कर रही हूँ छोटी इलायची, कुछ काजू मैं ऐड कर रही हूँ, सौंफ, काली मिर्च, और उसके बाद मैं पानी देके इसको ओवरनाइट के लिए रख दूँगी। तो देखिए, पूरी रात रहने के बाद ये जो है एकदम फ्लॉपी हो गया है। अभी मैं इसको ग्राइंडर में पीस लूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसको ग्राइंडर में पीस लिया है, और इसकी स्मेल जो है बहुत अच्छा आ रहा है। तो इसके बड़े बड़े जो दाने हैं उसको मैं एक क्लीन कपड़ा लेके छान लूँगी, और जो भी मतलब दाने, बड़े बड़े दाने जो बच जाएंगे उसको फिर से मैं ग्राइंड कर लूँगी, ताकि वो अच्छे से ग्राइंड होके पूरा जो है ये मिक्स हो जाए। जैसे ये मैं फिर से ग्राइंड कर लूँगी और इसको फिर से मैं जूस बना लूँगी। तो मैंने यहाँ पे लिया है चिल्ड मिल्क। यहाँ पे जो मिल्क है उसको मैंने बॉईल करके उसके बाद इसको फ्रिज में रख के ठंडा कर लिया, और अभी मैं इसके साथ ऐड कर रही हूँ शुगर पाउडर। इसको मैं ग्राइंड करके पाउडर बना लिया है, आप चाहो तो मार्केट से भी खरीद सकते हो। और उसके बाद मैं इसके साथ ऐड कर दूँगी वही मेरा जो जूस मैंने बनाया, उसको मैं ऐड करने के बाद ये मेरा जो ठंडाई है वो बन के रेडी हो जाएगा। तो ये ठंडाई बनाना बहुत ईजी है, आप भी ट्राई कीजिए। और उसके बाद मैं बनाऊंगी होली की स्पेशल जो स्वीट डिश होते हैं, गुजिया। गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले मैं मैदा लूँगी, और मैदे में थोड़ी सी मोयन डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और एक बात की आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पानी जो है हमें थोड़ा थोड़ा डालना है, क्योंकि जो डो बनाना है वो बहुत ही ज़्यादा टाइट बनाना है हमें, पूरी के डो से भी टाइट। और उसके बाद मैं एक पैन में थोड़ी सी सूजी लूँगी, और सूजी को मैं अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लूँगी। सूजी रोस्ट होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, तो उसमें मैं करूँगी कि थोड़ा सा मिल्क पाउडर लूँगी, और मिल्क पाउडर के साथ थोड़ा थोड़ा मिल्क मैं मिक्स करती रहूँगी, और उसको मैं मिक्स करके मवा बना लूँगी। और एक चीज़ का ध्यान रहे कि उसमें जो मिल्क है वो मतलब गुठली ना बन जाए, उसको अच्छे से मिक्स करना है, और एकदम स्मूथ हमको मवा बनाना है। और ये पैन जो है वो एकदम ही ठंडा होना चाहिए। पैन को अभी हम गैस के ऊपर नहीं रखेंगे, पहले मवा को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम पैन को गैस के ऊपर रख के थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। अभी मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी घी। Thank you.
तो देखिए यहाँ पे हमारा मावा जो है एकदम बन के रेडी हो गया है, और वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट भी हुआ है। अभी हम इसको एकदम ही ठंडा कर लेंगे, और ठंडा हो जाने के बाद इसके साथ हम एक एक करके इंग्रेडिएंट्स, बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऐड कर देंगे। तो उसके बाद ये जो मावा है बिल्कुल ठंडा हो गया है, तो मैं इसके साथ ऐड कर रही हूँ रोस्ट किया हुआ जो सूजी है मेरा, उसको मैं ऐड कर रही हूँ। और अभी मैं ऐड कर रही हूँ शुगर। शुगर को आप पाउडर की फॉर्म में बना के उसके बाद ही ऐड करें। और जैसा मैंने पहले बोला था कि मावा जो है उसको बिल्कुल ही ठंडा कर लेना है, उसका एक कारण ये भी है कि अगर मावा गर्म रहेगा तो चीनी जो है उससे पानी निकलेगा और हमारा जो मिक्सचर है वो थोड़ा गीला हो जाएगा। इसीलिए मावा जो है उसको एकदम ठंडा कीजिए, उसके बाद ही चीनी का ऐड हम लोग कर सकते हैं। और अभी मैं ऐड कर रही हूँ ग्राइंड किया हुआ कोकोनट। कोकोनट को अच्छे से ग्राइंड करने के बाद मैं इसके साथ ऐड करूँगी बादाम और काजू का जो मिक्सचर मैंने बनाया है, उसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया है मैंने, रफली ग्राइंड कर लिया है, तो उसको भी मैं इस मिक्सचर के साथ मिक्स करूँगी। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा गुजिया जो है वो बनके रेडी हो गया है, और इसका कलर जो है बहुत अच्छा दिख रहा है। गुजिया को आप जब फ्राई करेंगे तो एकदम धीमी आंच में करना, पहले तो आंच को आप बढ़ा देना, उसके बाद जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद आंच को मतलब गैस की फ्लेम को थोड़ा कम कर देना। और यह भी बन के रेडी हो गया है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जिसके लिए प्रिपरेशन लेंगे। We'll be right back.
अभी हम लोग बनाएंगे पुलाव। पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप बासमती चावल, और उसको मैंने पानी से भिगो दिया है। और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 थोड़ा सा हल्दी। हल्दी मैं इसलिए डाल रही हूँ ताकि इसका कलर जो है येलो कलर हो जाए और मेरा पुलाव जो है वो दिखने में अच्छा लगे, तो इसलिए मैं हल्दी यूज़ कर रही हूँ, मैं कलर की यूज़ नहीं करती हूँ। और उसको मैं एक साइड में रख दूँगी। तो उसके बाद मैं बना लूँगी आलू की सब्ज़ी। आलू की सब्ज़ी के लिए मैंने आलू को बॉईल करना है पहले, तो आलू को मैं बॉईल करने की रख दूँगी और उसके बाद मैं टमाटर को कट कर लूँगी। दोस्तों ये जो डिशेस मैं बना रही हूँ ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होता है और ये प्योर वेज है। अगर आप चाहो तो भगवान जी को प्रसाद भी चढ़ा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे टमाटर लिया है बहुत सारे, टमाटर से ये वेजिटेबल का जो टेस्ट है वो निखर के आता है। तो यहाँ पे मेरे तेल जो है गर्म हो गया है, तेल में मैं डाल रही हूँ हींग। हींग को थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी और उसके बाद मैं एक एक करके स्पाइसेस ऐड करूँगी। जैसे मैं अभी बे लीफ्स ऐड कर रही हूँ, उसके बाद मैंने फड़ंग, फड़ंग आपको पता ही है, फड़ंग मैं ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद मैं ऐड करूँगी लाल मिर्च। लाल मिर्च ऐड करने के बाद उसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी और उसके बाद मैं ऐड करूँगी ग्रीन चिली। अभी मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी। हल्दी आपको पता ही है कि तेल में पहले डालने से सब्जी का जो कलर होता है वो बहुत अच्छा आता है। और हल्दी डालने के बाद मैं इसके साथ ऐड कर दूँगी टमाटर को। टमाटर को ऐड करने के बाद मैं इसको टमाटर में अच्छे से फ्राई कर लूँगी और इसके साथ मैं ऐड कर दूँगी थोड़ी सी सॉल्ट। सॉल्ट ऐड करने से टमाटर जो है वो बहुत जल्दी गल जाता है, तो इसीलिए पानी मैं इसके साथ ऐड नहीं करूँगी क्योंकि पानी की ज़रूरत नहीं होता है। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करने से इसमें बहुत सारा पानी निकलता भी है, अच्छे से ये गल भी जाता है। तो अभी मैं क्या करूँगी, इसको ढक दूँगी और ढक के इसको पका लूँगी। तो देखिए यहाँ पे मेरी टमाटर जो है एकदम गल गया है। और उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ रोस्ट किया हुआ जीरा पाउडर और रोस्ट किया हुआ धनिया पाउडर, और मैं ऐड कर रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं मेरी सब्जी की जो टेक्सचर है वो बहुत अच्छा दिख रहा है और बहुत ही यम्मी कलर आया है इसका। उसके साथ मैं ऐड करूँगी बॉईल किया हुआ पोटैटो को, और यहाँ पे पोटैटो जो है वो बॉईल किया हुआ है तो सब्ज़ी बनने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसके साथ थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी। तो अभी मैं इसके साथ पानी ऐड कर रही हूँ। पानी मैं ज़्यादा नहीं ऐड करूँगी, थोड़ा सा ही पानी दूँगी क्योंकि मेरी पोटैटो जो है वो ऑलरेडी बॉयल हुआ है, तो इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और मसाला भी अच्छे से मतलब फ्राई हो गया है। तो इसको मैं अभी ढक दूँगी और देखिए मेरी सब्ज़ी जो है उसमें उबाल आ गया है, तो इनफैक्ट मेरी सब्ज़ी बन भी गया है। उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप करूँगी और नेक्स्ट में बनाऊँगी पुलाव को। पुलाव के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 चम्मच घी, और घी गर्म होने के बाद मैं ऐड करूँगी जीरा और ये सारे स्पाइसेस मैं उसके साथ ऐड कर दूँगी। और स्पाइसेस ऐड करने के बाद मैं उसको अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पे जितने सारे स्पाइसेस हैं वो अच्छे से रोस्ट हो गया है। अभी मैं उसके साथ ऐड कर दूँगी वो चावल जिसको मैंने भिगो के रखा था, और चावल को मैं ऐड कर रही हूँ। चावल ऐड करने के बाद चावल को मुझे अच्छे से फ्राई कर लेना है घी में। अगर वो अच्छे से घी में फ्राई हो जाएगा तो उसमें इसे स्मेल बहुत अच्छा आता है। तो देखिए यहाँ पे मैं चावल को अच्छे से फ्राई कर लिया है मैंने, चावल मेरा अच्छे से फ्राई हो गया है। अभी मैं इसके साथ पानी ऐड करूँगी। पानी मैंने जितने हिसाब से चावल लिया, जैसे 1 कप चावल में मैं 2 कप पानी ऐड करूँगी, तो यहाँ पे मैंने पानी को ऐड कर दिया है। अभी मैं इसके साथ ऐड करूँगी थोड़ी सी सॉल्ट। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करिएगा। और उसके बाद मैं थोड़ी सी किशमिश ऐड कर रही हूँ, और इसको ऐड करने के बाद मैं इसको ढक दूँगी और 2 सीटी के बाद मैं इसको ऑफ करके रख दूँगी। और लास्ट में मैं बनाऊँगी पूरी। पूरी बनाने के लिए मैंने लिया है मैदा, सॉल्ट, कलौंची, और मैंने लिया है मेथी। मेथी को मैंने रोस्ट कर लिया है, और उसके बाद थोड़ा सा पानी मिक्स करके मैं अच्छे से उसको एक डो बना लूँगी। और पूरी की जो डो है वो भी टाइट ही बनेगा, और पूरी की डो अगर टाइट बना तो
पूरी जब हम तलते हैं तो उसमें ऑयल कम रहता है, तो ये हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। तो यहाँ पे मेरी डो जो है वो बन के रेडी हो गया है, तो अब हम इसको तल लेंगे। दोस्तों ये था मेरा होली स्पेशल थाली। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा और मुझे कमेंट करके बताना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।